राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बुधवार पटना से रांची रवाना हुए। रांची रवाना होने के पहले वे करीब 106 दिन बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के मामले में उन्होंने कहा कि आज हमारा देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। देश हमारा तानाशाही की तरफ अग्रसर हो गया। 5 इंटेलेक्चुअल विद्वानों को छापा मार के कल गिरफ्तार किया गया। मोदी जी डर गए हैं कि उनकी हत्या हो जाएगी। प्रदेश के प्रधानमंत्री इस तरह से बात बोल रहे कि हमारी हत्या हो जाएगी, ये अच्छा नहीं लगा देश को। इसलिए ये कब किसकी गिरफ्तारी होगी, कब किसको क्या होगा, नेताओं का एकदम रास्ता प्रशस्त हो गया इमरजेंसी लागू करने का। लालू ने आगे कहा कि उनके ऊपर जितने भी मुकदमे दर्ज हैं, वे सब झूठे हैं। विरोधियों के बारे में उन्होंने कहा कि उनके परिवार को किसी भी तरह से घेरे में लेकर तनाव में रखने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि अगला चुनाव उन सबों के लिए आसान हो जाए। इतने केस हम लोगों पर है, बच्चों के ऊपर है, राबड़ी देवी का सब झूठा है, बेबुनियाद है। कैसे हमको घेर के रखा जाए, हमको घेर के परिवार को एंगेज करके रखा जाए, तनाव में हम रहे ताकि चुनाव पार हो जाए, नौकार दौड़ धूप नहीं हो। हमारी आज़ादी, हमारी लिबर्टी है, प्रत्येक नागरिक का।